नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आलू का पराठा घर पे हम कैसे एकदम आसान तरीके से टेस्टी पराठा कैसे बना सकते हैं उसी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है, आलू उबला हुआ, और ये है गेहूँ का आटा। एक कटोरी भर के मैंने एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, और एक टीस्पून फुल एकदम से मैंने लिया है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। ये है हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर, यहाँ पे आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, और 1/4 टी स्पून है गरम मसाला, 1/4 टी स्पून है हमारा हल्दी पाउडर, नमक और तेल। इतनी ही चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें आटा लगा लेना है, उसके बाद फिर हम फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम अपना पूरा आटा डाल देंगे। अब इसमें हमें मोयन देना है, सॉफ्ट होगा मोयन देंगे तो इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना मैं इसमें मोयन दे दूँगी। तेल डाल दिया मैंने, अब 1 टीस्पून फुल मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक ऐड करना। बस अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। मोयन अच्छे से दे दिया है मैंने, अब इसमें हम पानी डाल के, और अगर मैं ये आटा जो है आपको रोटी से सॉफ्ट, इसको थोड़ा आप गीला होना चाहिए ये आटा, रोटी से सॉफ्ट होना चाहिए ये आटा। अगर मैं आप पराठा अपना चाहते हो कि मेरा पराठा एकदम अच्छे से फूले, तो उसके लिए आटे पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं ज़रा सा भी ना सख्त आटा रहेगा तो ये हम जब फिलिंग जब स्टफिंग करते हैं ना, तो वो बेलते बेलते ही हमारा आटा फट जाता है, वो तवे पे जाके फूलेगा क्या जब ऑलरेडी फट चुका है। तो इसका एक यही मेन, मेरी माँ मुझे ये चीज़ बताई थी और मैं आज तक उसको फॉलो करती हूँ, और बहुत सही ट्रिक है ये कि आपको अगर मैं कोई भी स्टफिंग वाला पराठा आप बना रहे हो तो आपको आटा थोड़ा गीला रखना होता है। थोड़ा सा आटा गीला रखेंगे ना आप, तो आपका कोई भी पराठा स्टफिंग वाला कभी नहीं फटेगा, बहुत अच्छा एकदम फुल कर पराठा रेडी होगा। यहाँ पे मैंने अपने आटे को एकदम 6-7 मिनट तक अच्छे से गून लिया है, और हमें इतना सॉफ्ट आटा चाहिए, रोटी से ये सॉफ्ट है ये आटा। थोड़ा सा अब इससे ज़्यादा थोड़ा और भी थोड़ा भी पानी डाला ना इसमें तो हमारा आटा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें थोड़ा सा नरम रखना होता है आटे को, तब हमारा वो मैं आगे दिखाऊंगी नरम रखने का क्या बेनिफिट मिलता है हमें पराठा में। तो मैं आगे जब मैं पराठा बनाने लगूंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी। अब ये हमारा आटा रेडी हो गया है, अब इसको हमें थोड़ा सा तेल लगा करके हमें इसको रेस्ट पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तब तक हम अपना फिलिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले अपने आलू को पेल कर लेंगे। यहाँ पर आलू को पहले हमें एकदम अच्छे से मैश कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम सारे मसाले को ऐड कर देंगे, हम नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, हमारा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, और ये है हरा मिर्च। और इसमें हमें क्या करना है ना, हरा धनिया जो है ये हमें ज़्यादा डालना होता है, तो ये हम पूरा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी रेडी हो गया है, और आटा भी हमारा 10 मिनट इसको भी रेस्ट पे रखा था वो भी हो गया है। अब चलो अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम आटा को पहले ले लेंगे थोड़ा, और ये थोड़ा नरम आटा है तो मुझे सूखे आटे की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे ज़्यादा, ताकि मेरे हाथ में स्टिकी ना हो। आपको जितना बड़ा छोटा करना है आप उस हिसाब से पेड़ा आप निकाल लेंगे यहाँ से। मैं थोड़े बड़े साइज़ का बना रही हूँ तो मैं इतना बड़ा पेड़ा मैं कर रही हूँ अपने पराठे का। अब मैंने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, अब इसमें हम
ड्राई आटे से थोड़ा लपेट लेंगे और फिर इस तरह से हमें इसको एक कटोरी जैसा एकदम शेप देना है इसका। इसको हमें हाथ से ही बढ़ाना है इस तरह से। इस तरह से बढ़ा लिया। अब इसमें हमें जितना स्टफिंग डालना है हम उस इसमें डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से डालने के बाद अब थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, इसको ऐसे इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि मेरे हाथ में ना ज़्यादा आलू लगे ना। और गीला आटा मैं थोड़ा नरम आटा इसलिए मैं बोल रही थी करने के लिए। अब इतना स्टफिंग मैंने डाला है ना, इस पेड़े के हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग डाला है तो हमारा आटा ना एकदम खिंचते जाएगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा भी ड्राई होता ना, ये हार्ड होता हमारा डोना, तो ये खिंचता नहीं है, ज़्यादा फट जाता है। तो इसका यही रहता है, इसीलिए हमारा पराठा जो है, अगर मैं आटा थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट रहेगा तो पराठा हमारा फटता नहीं है और इसमें जितना चाहे हम स्टफिंग हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और मैं बीच बीच में ऐसे सूखा आटा लगाते जा रही हूँ ताकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा इसमें चिपचिप ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं आलू लग जाएगा तो फिर पराठे के ऊपर पूरा फैलने लगेगा। तो इस तरह से हमें इकट्ठा इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ये जो बीच का ये जो निकलता है ना पार्ट, इसको निकाल देना चाहिए। अगर हम इसको पराठा में छोड़ेंगे ना तो बीच में ऐसे आप खाएंगे ना पराठा तो बीच में एक आटे का अलग सा लेयर आता है, दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उसको तोड़ के आप निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से हम और अपना स्टफिंग भर लेते हैं। यहाँ पे हमारा तवा गरम हो रहा है। अब इसको हम मैं पराठा दो तीन पराठा ऐसे एक साथ ही स्टफिंग करके देन मैं बेलती हूँ उसको। अब इसको सूखा आटा लगाने के बाद ना थोड़ा हाथ से ही हम इस तरह से पराठे को बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब हम रोलिंग चालू करेंगे और एकदम हल्के हाथ से, बिल्कुल भी इसके ऊपर आप जोर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जितना बड़ा करना है उतना बड़ा इसको बेलते जाएंगे और हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इतना ध्यान देना कि बिल्कुल भी जोर नहीं लगाओगे आप रोलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पराठा एकदम अच्छे से बेल लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तवा में पहले हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल इसलिए डाल देंगे कि हमारा, ताकि ये पराठा चिपके ना। तो इस तरह से हमको प्लेस कर देना है। यहाँ पे मैंने अपने पराठा को पलट दिया है और दोनों साइड हम तेल लगा लेंगे। और यहाँ पे आप ना पराठा में आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से तेल लगा लेना है और मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हमें इसको सेकना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है पराठा एकदम से। और हमें इसी तरह से सेकना है, एकदम हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है हमें इस पराठे को, नहीं तो जल जाएगा और फूलेगा भी नहीं। इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आलू का पराठा बनकर रेडी हो गया है। आपको हमारा हर एक पराठा फूला हुआ है। यहाँ पे आपको मैं अंदर से खोल के भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा एकदम डिलीशियस एकदम अंदर से भी हमारा पराठा लग रहा है। इस पराठे को आप दही के साथ, पिकल के साथ या टमाटो केचप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। पराठा बहुत ही डिलीशियस बना है हमारा पराठा। हमारा पराठा एकदम मज़ेदार बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से आप लोग भी एक बार ज़रूर बना कर देखना। बनाना तो बहुत ही आसान होता है ये पराठा, और बना के खा के और अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।